नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसी तीन स्टॉक, जिन तीन स्टॉक में अगले दिन पोजीशन बनाऊंगा, उन तीनों स्टॉक की जो है टेक्निकल आउटलुक, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट, उस बारे में चर्चा करेंगे। और कल जो मैंने तीन स्टॉक के बारे में चर्चा किया था उसका रिव्यू देखेंगे और इंट्राडे फ्री लैटिस हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बातें आज आप लोगों को सुनाएंगे, जो सुनना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं सुनूंगे तो आप लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा, बस इतना सा ही कह सकता हूँ, और कुछ नहीं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, क्योंकि आप लोग तो वीडियो स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल पे और उसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन आज की बात नहीं सुनेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा, बहुत। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में एडुकेशन पर्पज़ बनाता हूँ और जो भी टेक्निक आउटलुक, जो भी लेवल यहाँ पर मैं पेश करूँगी मेरे खुद की रिसर्च से, अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप अपनी ज़िम्मेदारी से ट्रेड कीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग डिमांड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ज़ेरोधा लूप ब्रोकरेज डिमांड अकाउंट ओनली 20 रुपीज़, बाई का 20, सल का 20, टोटल 40 रुपीज़। अगर आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ का भी बाई सेल करते हैं तो आपको सिर्फ देना है 20 रुपये बाई और सेल का 20 रुपये, टोटल 40 रुपये। तो चलिए चलते हैं, पहले हम रिव्यू देखेंगे। कल मैंने जो कॉल सेलेक्ट किया था आज के लिए, जो आज ट्रेड डाले थे अरविंद फार्मा, अरविंद जो है बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ था 418 और सेकंड टारगेट डन 422 रुपये 47 पैसे का। तो यहाँ पर अच्छा खासा पॉइंट मिल चुके हैं, दो तीन पॉइंट। नेक्स्ट है कॉल हमारा SRF। ओके फ्रेंड्स, SRF जो है बाइंग लेवल था 1890, तो बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ और नियर अवेल 5th टारगेट डन। ओके फ्रेंड्स, 1890 का बाइंग लेवल एग्जिट होके 1941 का हाई बनाया था, तो यहाँ पर हमें कितना पॉइंट मिला, 50 पॉइंट मिल चुका है आज SRF। नेक्स्ट था ग्रीन लम जो 1115 रुपये 37 पैसे का जो बाइंग लेवल था, कॉल एग्जीक्यूट हुआ और नियर 4th टारगेट डन, 1127 का हाई लगाया था, तो यहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा पॉइंट मिल चुके हैं, कम से कम 12 पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अच्छा खासा पॉइंट मिल चुके हैं, तो ऐसे करके डेली प्रॉफिट हो रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, जिस दिन कॉल एग्जीक्यूट होगा, कॉल एग्जीक्यूट होने के बाद प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगी, स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम रहता है मेरा। अगर कॉल एग्जीक्यूट नहीं होता है तो मैं ट्रेड नहीं करता। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बातें, उसके बाद मैं चर्चा करूँगा कल के लिए मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया यानी मंडे के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक वेबसाइट है anjantechresearch.com, जहाँ पर मैं इंट्राडे फ्री लैटिस प्रोवाइड करता हूँ। आज भी मैंने 6 कॉल प्रोवाइड किया और 5 कॉल में टारगेट अचीव हुआ। 6 कॉल मैंने प्रोवाइड किया, उसमें से 4 कॉल में टारगेट अचीव हुआ है, 5 कॉल में टारगेट अचीव हुआ और 1 कॉल जो है अभी होल्ड पर है, उसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। और मेरा एक ग्रुप भी है जहाँ पर मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ, और मेरे ऐसे 3 ग्रुप हैं जहाँ पर बहुत सारे मेंबर हैं। उसमें से कुछ लोग, उसमें से किसी ने ऐसा किया कि मेरा जो पेड सर्विस है 1500 रुपये की, 1500 रुपये की पेड सर्विस की मेरी कॉल चोरी करके लोगों को 15000 में सेल कर रहा है, और वो लोग कर क्या रहे हैं, पहले 2500 रुपये मांगते हैं और बाकी 12000 रुपये प्रॉफिट होने के बाद देने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे करके बहुत लोगों से जो है पैसा उठा लिए हैं, और कुछ लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड किया, सर आपने जो कॉल सेंड करते हो आपकी क्लाइंट को, वही कॉल, सेम कॉल हम लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स वो लोग कॉल चोरी करके सेंड कर रहे हैं। अगली वीडियो में, आज मैं नहीं दिखाऊंगा, अगले वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि एक बंदे का स्क्रीनशॉट मुझे मिल चुका है, अब दूसरे स्क्रीनशॉट मिलते ही मैं इस चैनल पर आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, कल के लिए मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया नवा वेंचुरस, और उसका कोड है NBVENTURES। स्टॉक को सिलेक्ट करने का रीज़न बता देते हैं, स्टॉक जो है 30 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 150 डेज, इन चारों क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चल रहा है, और आज 200 डेज को और 150 डेज को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हुए 150 डेज के ऊपर क्लोज हुआ है, और अभी स्ट्रांगली बाइंग पोजीशन पे, जिस वजह से मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया। और भी काफ़ी सारे रीज़न होता है, वो मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। इसका बाइंग लेवल रहेगा, तो फ्रेंड्स बाइंग लेवल रहेगा 149.39, स्टॉप लॉस रहेगा 139.56, फर्स्ट टारगेट 151.69, सिक्स टारगेट 167.96, सेलिंग लेवल 137.91, स्टॉप लॉस 147.74, फर्स्ट टारगेट 136.14, सिक्स टारगेट 119.34। नेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया ग्रेविटा, ये भी स्टॉक जो है आज 200 डेज को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हुए 200 डेज के ऊपर क्लोज हुआ, 150 डेज को भी पॉजिटिव ब्रेकआउट किया था और 30 डेज की क्लोजिंग प्राइस को भी रीटेस्ट किया था, फिर दोबारा जो है 200 डेज के ऊपर क्लोज हुआ है, 150 डेज को सस्टेंस कर नहीं पाया।
तो ये भी बाइंग पोजीशन पे है क्योंकि डाउन टर्न लेवल से जो है एक रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करते हुए 200 को पॉजिटिव ब्रेकआउट किया, इसलिए मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया। अब हम इसका बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल देख लेते हैं। बाइंग लेवल रहेगा 164.82, स्टॉप लॉस रहेगा 157.12, फर्स्ट टारगेट 166.21, सिक्स टारगेट 179.37, सेलिंग लेवल 155.83 एंड स्टॉप लॉस 163.53, फर्स्ट टारगेट रहेगा 154.44 एंड सिक्स टारगेट 141.28। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है रैम की सिलेक्ट करने की वजह है फ्रेंड्स, ये बहुत ही डाउन ट्रेंड था, काफ़ी गिरावट आई थी उसमें, उसके बाद एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया था, नेक्स्ट टाइम उस सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करते हुए डाउन ट्रेंड से फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को भी पॉजिटिव ब्रेकआउट किया और 30 डेज 50 डेज और 200 डेज को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हुए 200 डेज के ऊपर क्लोज हुआ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजिशन पर है, इसलिए मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया। और भी काफ़ी सारे रीज़न है फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताता हूँ कि अगर बोलूँगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं कहता नहीं। तो चलिए उसका बाइंग लेवल सेलिंग लेवल देखेंगे, इससे पहले इंट्राडे फ्री लाइव कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो देख लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग anjantechresearch.com वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आते ही आप लोगों को मेनू में क्लिक करना है और इंट्राडे टिप्स में क्लिक करना है। जैसे इंट्राडे टिप्स में क्लिक करेंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को जो है स्टॉक नेम मिल जाएंगे। जैसे कि आज मैंने 11:46 में रिलायंस प्रोवाइड किया, फर्स्ट टारगेट डन, 18 पे प्रोवाइड किया 1023 का फर्स्ट टारगेट था, 11:02 में भारत फाइनेंस, इसमें भी 90 पे और 95 फर्स्ट टारगेट डन, 10:27 में HCL टेक फर्स्ट टारगेट डन, अदानी एंटरप्राइज होल्ड पर है, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, एक पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, सॉरी फ्रेंड्स 5 नीचे क्लोज हुआ है। कॉफी डे 9:40 पर प्रोवाइड किया, फर्स्ट टारगेट डन, हिंडोल XP फर्स्ट टारगेट डन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैंने जितने कॉल प्रोवाइड किया 5 टारगेट अचीव हुआ और 1 कॉल जो है होल्ड पर है, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर कॉल मिल जाएंगे टाइम वाइज। आप चलिए रैमकी का बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल देख लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मेरे 1500 का जो पेड सर्विस है, जो मेरे पेड क्लाइंट है, मेरे पेड क्लाइंट को मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, वेबसाइट और यूट्यूब में जो कॉल प्रोवाइड करता हूँ वो अलग है और मेरी पेड सर्विस का कॉल अलग है जो 1500 का है, लेकिन कुछ लोग मेरे उस स्टॉक को जो है चोरी करके दूसरों को 15,000 में सेल कर रहा है और 2,500 पहले ले रहा है। उसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को सेंड करूँगा नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में, यानी ट्यूजडे की वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए उसका बाइंग लेवल देख लेते हैं। बाइंग लेवल है 186.63, स्टॉप लॉस 176.73, फर्स्ट टारगेट 188.42 एंड सिक्स टारगेट 205.35, सेलिंग प्राइस 175.07, स्टॉप लॉस 184.97 एंड फर्स्ट टारगेट रहेगा 173.28 एंड सिक्स टारगेट 156.35। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सही, हमें आशा है आप लोगों को इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।